हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैंने यहाँ पे बनाए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, तो उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई में देसी घी डाल दिया है और हल्का सा गर्म होने के बाद मैं उसमें डाल दूँगी एक बाउल बादाम। और बादाम हल्का सा रोस्ट होने के बाद फिर मैं उसमें डालूंगी एक बाउल काजू। फिर काजू को भी मैं हल्का सा रोस्ट कर दूंगी। दोनों को हल्का हल्का रोस्ट करने के बाद फिर मैं उसके बाद निकाल दूंगी इसको एक प्लेट में। फिर इसको निकालने के बाद मैं इसमें डालूंगी मूंगफली के दाने एक बाउल से थोड़ा सा कम। मूंगफली के दाने को भी हल्का हल्का रोस्ट करके फिर इसको मैं साथ में ही निकाल दूंगी इसके। तो मूंगफली काजू बादाम निकालने के बाद आधी बाउल मैंने इसमें डाल दी है गोंद। इसको भी मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो गोंद फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसको भी एक प्लेट में निकाल देती हूँ। गोंद निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा घी बचा है तो मैं इसमें थोड़े से मखाने फ्राई कर देती हूँ। तो मखाने फ्राई हो चुके हैं और अब मैंने इसको भी एक प्लेट में निकाल दिया है और इसमें जितना भी घी था वो मखाने में सोख लिया है। अब मैं इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डाल दूंगी। फिर डालूंगी मैं आधा बाउल खसखस। खसखस को भी हल्का सा रोस्ट करके इसको भी मैं निकाल दूंगी एक बाउल में। तो खसखस मैंने यहाँ पे निकाल दिया है हल्का सा रोस्ट करके। अब कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाल के इसमें डाल दिए है मैंने तरबूजे के बीज और इसको हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। और इसमें डाले मैंने कद्दूकस किया हुआ नारियल, दोनों को फिर साथ में हल्का हल्का रोस्ट कर देते हैं। और ये है एक बाउल तिल के दाने, इसको भी साथ में हल्का सा रोस्ट कर देंगे। तीनों को हल्का सा रोस्ट करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी एक बाउल किशमिश के। और किशमिश डाल के इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, हल्का हल्का रोस्ट करना है इसको। हल्का रोस्ट होने के बाद अब मैं इसको निकाल देती हूँ एक प्लेट में। यहाँ पे मैंने सारी सामग्री को निकालने के बाद जो मूंगफली और काजू और बादाम को मैंने रोस्ट किया था उसको मैं ग्राइंड कर दूंगी। उसके बाद करूंगी मैं मखाने और गोंद को ग्राइंड। और जो मैंने खजूर के दाने तिल और नारियल किशमिश को रोस्ट किया था उसको मैं ग्राइंड नहीं करूंगी, उसको खाली साबुत ही डालूंगी। तो मैं यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स को एक साथ मिक्स कर दे रही हूँ। कुछ मैंने ग्राइंड किया था, कुछ को मैंने ग्राइंड नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के मैंने एक खजूर डाल लूँ इसमें, इसके बीच मैंने निकाल के हल्का इसको ग्राइंड कर लिया था। और अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भून लेती हूँ।
तो खजूर भुनने के बाद मैं इसको भी अब एक प्लेट में निकाल दे रही हूँ, और उसके बाद मैं इसको उस ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर दूँगी। तो मैं इसमें लगभग एक चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ, और दो चम्मच के लगभग मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ, और जो खजूर मैंने हल्का रोस्ट किया था उसको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। तो मैं इन सब सामग्री को एक साथ मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि खजूर अभी गर्म है तो एक साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे खजूर के साथ मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब मैं करती हूँ लड्डू बनाना स्टार्ट। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सर हाथ में लिया, और दोनों हाथों से हल्का हल्का दबा के लड्डू का शेप देना है इसको। तो यहाँ पे लड्डू बनके हो गए हैं तैयार, और अब मैं इसको रख देती हूँ एक कंटेनर में। तो मैं अब लड्डू को रख देती हूँ इस वाले डब्बे में। पिछले महीने मैंने लड्डू बनाए थे तो उसमें से एक बच गया है, और जब मैंने पिछले महीने बनाए थे तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड किया था। इस बार मैंने कुछ कोई ग्राइंड किया है, और कुछ ड्राई फ्रूट को मैंने ऐसे साबुत डाले हैं। तो इसका कुछ चूरा भी बच गया है, इसको भी मैं निकाल के इसमें रख देती हूँ, और जो आज मैंने बनाए हैं उसको मैं इस डब्बे में भर देती हूँ।